नमस्कार साथियों, इस प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम आपको आत्महत्या से जुड़े कुछ मिथकों और तथ्यों से अवगत कराएंगे, ताकि आप आत्महत्या की रोकथाम तथा आत्महत्या से जुड़ी भ्रांतियों को तोड़ने में सक्षम हो सकें। साथियों, आत्महत्या से जुड़े मिथकों को जानने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि आत्महत्या की रोकथाम क्यों आवश्यक है। आत्महत्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या समुदाय का मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक अनिवार्यता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आत्महत्या के कारण हर साल 8 लाख लोगों की जान चली जाती है। आत्महत्या की वजह से हर 40 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति अपनी जान खो बैठता है। इसका मतलब यह है कि अमूमन हर दिन 2160 और हर घंटे 90 लोगों की जान आत्महत्या की वजह से चली जाती है। दुनिया की 80% आत्महत्याएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। आत्महत्या का उच्चतम जोखिम 70 से 79 वर्ष की आयु वाले लोगों में देखा जाता है और आत्महत्या दुनिया भर में युवाओं के बीच मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। विश्व स्तर पर 8 लाख वार्षिक आत्महत्या से होने वाली मौतों में से 40% भारत और चीन में होती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 2,90,00,000 लोग 70 और उससे अधिक आयु के हैं। 2017 के आंकड़ों के अनुसार 132 करोड़ की हमारी आबादी का 34% युवा लोगों द्वारा गठित किया गया है। 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आत्महत्या 15 से 39 वर्ष की आयु के लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आत्महत्या दर 10.5 है, जबकि भारत में यह 16.6 है। साथ ही भारत में बाकी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मुकाबले आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। हमने आत्महत्या की गंभीरता को तो जान दिया, चलिए अब मृतकों और इनके हम पर पड़ने वाले प्रभाव को जानते हैं। मिथक को व्यापक रूप से आयोजित लेकिन गलत विश्वास या विचार के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि मिथकों का विस्तृत विवरण कुछ इस प्रकार है। मिथक एक पारंपरिक या पौराणिक कहानी है जो आमतौर पर किसी तथ्य या प्राकृतिक व्याख्या के किसी निश्चित आधार या नायक या घटना से संबंधित होती है, विशेष रूप से वह जो देवताओं या गणमान्यों से संबंधित है और जो प्रकृति के कुछ अभ्यास, संस्कार या घटना की व्याख्या करती है। समाज में फैले हुए अनेक मिथकों में से एक यह है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग हिंसक और अप्रत्याशित होते हैं। आत्महत्या से जुड़े मिथकों, भ्रांतियों और धारणाओं ने इस गंभीर मुद्दे को एक गपशप का विषय बना दिया है। आत्महत्या के मिथक हमारे व्यवहार और सोच को कुछ इस प्रकार प्रभावित करने लगे हैं। आत्महत्या के लिए मदद मांगने में लोग अब हिचकिचाने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि मदद के लिए आगे आने पर उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा और उनका उपहास किया जाएगा। लोग सोचने लगे हैं कि अगर वे खुद को अभिव्यक्त करेंगे तो दूसरे उन्हें कमजोर समझेंगे। लोगों को लगने लगा है कि ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें समझेगा। लोगों ने मान लिया है कि आत्महत्या के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। लोग आत्महत्या को एक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास मानने लगे हैं। लोग आत्महत्या के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि यह लोगों को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने 2015 में यह सूचना दी थी कि हमारे देश में हर साल 1,30,000 के करीब आत्महत्याएं होती हैं। हालांकि डोडोना और उनके सहयोगियों के एक अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या की वार्षिक घटना लगभग 2,30,000 है। आत्महत्या की रिपोर्टिंग और आत्महत्या के अनुमानों के बीच का अंतर आत्महत्या की रिपोर्ट नहीं करने के कारण हो सकता है, क्योंकि आत्महत्या के साथ कई गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं। अब हम आत्महत्या के बारे में कुछ मिथकों पर गौर करेंगे और साथ ही तथ्यों की मदद से उन्हें तोड़ेंगे।
आत्महत्या के प्रति समाज में फैली हुई एक गलत धारणा यह है कि एक बार जब कोई आत्मघाती प्रवृत्ति विकसित कर लेता है तो वह हमेशा आत्मघाती रहता है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि आत्महत्या का जोखिम अक्सर अल्पकालिक और स्थिति विशिष्ट होता है। आत्मघाती विचार वापस आ सकते हैं परंतु वे स्थायी नहीं रहते। एक व्यक्ति जो पहले आत्मघाती विचार रखता था तथा आत्महत्या के प्रयास कर चुका था वह भी एक लंबा जीवन जी सकता है। लोग आत्महत्या के बारे में बात करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आत्महत्या के बारे में बात करना एक बुरा विचार है और इसे प्रोत्साहन के रूप में समझा जा सकता है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि आत्महत्या के बारे में व्यापक कलंक को देखते हुए ज्यादातर लोग जो आत्महत्या पर विचार कर रहे हैं वे नहीं जानते कि किसके साथ उन्हें अपने दुख व चिंताएं साझा करनी चाहिए। आत्महत्या के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के बजाय खुले तौर पर बात करने से व्यक्ति को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई अन्य विकल्प या समय मिल सकता है जिससे आत्महत्या को रोका जा सकता है। लोगों को ये लगता है कि केवल मानसिक विकार वाले लोग आत्महत्या करते हैं। इसके विपरीत तथ्य यह है कि आत्मघाती व्यवहार गहरी नाखुशी को इंगित करता है लेकिन जरूरी नहीं कि यह मानसिक विकार हो। मानसिक विकारों के साथ रहने वाले कई लोग आत्मघाती व्यवहार से प्रभावित नहीं होते और हर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को मानसिक विकार नहीं होता है। लोग ये मान बैठे हैं कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति मरने के लिए निश्चित हैं। इसके विपरीत तथ्य यह है कि आत्महत्या करने वाले अक्सर जीने या मरने के बारे में अस्पष्ट होते हैं। जीवित रहने की इच्छाओं के बावजूद आवेगपूर्ण निर्णय की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर बैठते हैं। सही समय पर भावनात्मक समर्थन तक पहुंच आत्महत्या को रोक सकती है। लोगों की आत्महत्या के प्रति एक गलत धारणा यह भी है कि ज्यादातर आत्महत्याएं बिना किसी चेतावनी के अचानक होती हैं। इसके विपरीत तथ्य यह है कि अधिकांश आत्महत्याएं मौखिक या व्यवहार संबंधी चेतावनी के संकेतों के बाद होती हैं। बेशक कुछ आत्महत्याएं हैं जो बिना किसी चेतावनी के होती हैं, लेकिन चेतावनी के संकेतों को समझना और उनकी पहचान करना महत्वपूर्ण है। लोग यह मानते हैं कि जो लोग आत्महत्या के बारे में बात करते हैं उनका मतलब यह नहीं कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं। इसके विपरीत तथ्य यह है कि आत्महत्या के बारे में बात करने वाले लोग मदद या समर्थन खोजने का प्रयास करते हैं। आत्महत्या पर विचार करने वाले लोगों की बड़ी संख्या चिंता, अवसाद और निराशा का अनुभव कर रही है और उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद साथियों। हम आशा करते हैं कि इस प्रस्तुति ने आपको आत्महत्या को रोकने में पहले से अधिक सक्षम बनाया होगा। साथ ही हम यह भी आशा करते हैं कि आप इस प्रस्तुति की सीखों को वास्तविक दुनिया में लागू करेंगे।